नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सिविल पीसीएस क्लास पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, उसी क्रम में आपका लॉकडाउन प्रोग्राम चल रहा है जिसमें जीएस का रिवीजन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जो मित्र इस चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि आज के लॉकडाउन प्रोग्राम में क्या है। ठीक, तो आज का लॉकडाउन प्रोग्राम हम लोग का विश्व के भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का है। जैसा कि इस सीरीज में हम लोग दो वीडियो देख चुके हैं, दोनों वीडियो में विश्व के भूगोल के आप 20-20 प्रश्न को देखे थे, उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं और आज फिर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि विश्व भूगोल के हैं देखते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपका है, श्रीलंका के अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? आपका ऑप्शन है ईसाई, इस्लाम, बौद्ध व हिंदू। तो आपको मालूम है कि श्रीलंका के अधिकांशतः लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चीन में एक शिशु नीति कब लागू हुई थी? तो चीन में एक शिशु की नीति 1979 में लागू हुई थी। तो इसमें हम लोग एक कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं। पहला कि यह इसके तहत चीन का कोई चीनी दंपति एक से अधिक बच्चों को जन्म नहीं दे सकता था। 2015 में यह नीति समाप्त कर दी गई। ठीक, 1979 में नीति लागू किया गया था, कब समाप्त कर दिया गया? 2015 में। और इस समय 2016 से जो नीति चल रही है, दो बच्चा नीति लागू हो गया है चीन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश? तो अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। ठीक, चलिए और बाकी जो ऑप्शन में आपको लागोस, रूस, इस्तांबुल है उसके बारे में देख लीजिए। लागोस अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, नाइजीरिया देश है, जबकि लागोस क्या है? शहर है सबसे अधिक जनसंख्या वाला अफ्रीका का। और इस्तांबुल यूरोप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ठीक, इस्तांबुल यूरोप का है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सार्क देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश? तो ऑप्शन आपका है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और भूटान। तो सार्क देशों में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन है? भूटान। ठीक है, चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि कहाँ पे कितना नगरीकृत प्रतिशत है। तो भूटान का 40% नगरीकृत है, पाकिस्तान का 36.7%, भारत का 34% और श्रीलंका का 18.5%। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, आपको क्रम बनाने के लिए भी आ सकता है, चारों ऑप्शन दे के पूरी जगह इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए शहरीकृत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, पांचवा, कोत जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक, तो देखिए कोत जनजाति आपका ईरान में पाया जाता है। ठीक, आपके बाकी ऑप्शन जो म्यांमार, साइबेरिया, चीन है, तो यहाँ की जनजाति को भी देख लीजिए। म्यांमार में जो जनजाति पाई जाती है वो लाई है, साइबेरिया में यूरत है और चीन में हन जनजाति। ठीक, आइए आज का छठवां प्रश्न, एबोरिजिन्स कहाँ के मूल निवासी हैं? तो एबोरिजिन्स कहाँ के निवासी को कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को। ठीक, और जापान का मूल निवासी कौन है? आइनू, ब्राज़ील का बोरो व सूडान का नूबा। ठीक, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे, इसको आप ढंग से पढ़ लीजिए। ये ऐसे प्रश्न आपके लिए बनाए गए हैं छाट कर, जहाँ से एग्जाम में आने ही आने रहते हैं क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी कितनी कम हो गई? तो आपका 7,000 किलोमीटर दूरी की कमी हो गई है भारत से यूरोप के बीच, किसके बनने से? स्वेज नहर के। चलिए, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो अधिक मानव श्रम की आवश्यकता किसमें होती है? आपकी व्यापारिक बागवानी में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग आज के नवें प्रश्न पे। संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ? तो सर्वाधिक मत्स्य क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं जहाँ मिलती है वहाँ पे। ठीक, आइए आज का आपका दसवां प्रश्न, आपका है क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहले सूची में आपको क्या दिया गया है? औद्योगिक क्षेत्र, और दूसरे सूची में देश का नाम दिया गया है, तो आप यहाँ से मिलाइए।
पहला औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है किनकी, तो किनकी आपको कहाँ का है, जापान का औद्योगिक क्षेत्र है। दूसरा है कैंटन, कैंटन चीन का औद्योगिक क्षेत्र है। सी ऑप्शन है लोरेन, तो आपको मालूम है लोरेन फ्रांस का औद्योगिक क्षेत्र है। और डी बेलो हॉरी जांटले, तो ये कहाँ का है, ब्राज़ील का। तो आपका ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, सी ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का शीर्ष पाइपलाइन परिवहन वाला देश, विश्व का शीर्ष पाइपलाइन गैस या तेल का जो कौन सा देश है, तो सबसे ज़्यादा पाइपलाइन गैस तेल का कहाँ पे है, यूएसए में। ठीक, आइए, कटांस किस देश की अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं हैं। कटांस, तो कटांस ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा है। ठीक, उसी तरह नीदरलैंड का वायु सेवा क्या है, KLM रॉयल एयरलाइंस। ईरान का क्या है, नेशनल एयरलाइंस। और जर्मनी का क्या है, लुफ्थांसा एयरलाइंस। ठीक, आइए 13वां प्रश्न, सिक्यांग नदी पर कौन सा पत्तन बंदरगाह बना है। ठीक, तो सिक्यांग नदी पर कौन सा पत्तन है, हांगकांग पत्तन। ठीक, उसी तरह फ्रैंकफुर्ट पत्तन कहाँ है, ओडर नदी पे है। मनाओस पत्तन कहाँ पे है, अमेजन नदी पे। और बोरकी कहाँ है, मरे डार्लिंग नदी पे। ठीक, चलिए आज का 14वां प्रश्न, यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग, तो ये आपका है पेरिस से बारसा के बीच। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया। तो पहला परमाणु बिजली घर यूएसए में स्थापित किया गया था। सन भी यहाँ महत्वपूर्ण है, तो इसको देख लीजिए, 1951 में। ठीक, अंटार्कटिक के खोजकर्ता थे, तो अंटार्कटिक के खोजकर्ता कौन थे, नेथालिन पाल्मेर। ठीक, और यहाँ पे आपका ये जो बाकी 3 भी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप। रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव की खोज किया था इन्होंने, एमंड सेन ने दक्षिणी ध्रुव का, और कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप का। तो चारों आप याद कर लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए 16 प्रश्न हो गया, 17वें पे चलते हैं। अंटार्कटिका किस प्राचीन भूखंड का अंग था। तो अंटार्कटिका किसका अंग था, गोंडवाना क्षेत्र का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो आपका पहले सूची में नगर का नाम है और दूसरी सूची में नदी का, तो चलिए मिलाइए। पहला नगर क्या है, खार्तुम, दूसरा ब्राजवेले, तीसरा राटरडम और चौथा पेरिस। ठीक, तो खार्तुम आपका नील नदी के किनारे है, ब्राजवेले जैरे नदी के, राटरडम राइन नदी के, व पेरिस सीन नदी के किनारे है। ठीक, तो यहाँ से आप मिला लीजिएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, बोलगा दाने नहर, साल्ट सेंटी नहर, लुडबिन्स नहर व सफ़ेद सागर नहर। तो कौन सा हो जाएगा, सी लुडबिन्स नहर। तो आइए आज का आखिरी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 20वां दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पहली सूची में विश्व के द्वीप है और दूसरा स्वामित्व वाले देश, यानी कि इस देश के कब्जे में कौन सा है। तो पहला है एल्यूसियन द्वीप, बियर द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप, फ्रेंड जोसेफ द्वीप। तो आप मिलाना चालू करिए, पहले एल्यूसियन द्वीप कहाँ का है, यूएसए में है। बियर द्वीप कहाँ है, नॉर्वे में। ग्रीनलैंड कहाँ पे है, डेनमार्क में। और फ्रेंड जोसेफ द्वीप कहाँ है, रूस में। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आज का हमारा भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। आगे आपको थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, शिवसर इनोवेटिव प्रोग्राम के तहत इस समय आपका कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो कौन कौन सा चल रहा है उसके बारे में आप देख लीजिए। पहला प्रोग्राम UPPCS प्रीलिम्स के लिए डेली PDF क्लास चलाया जा रहा है, जिसका बैच 30 मार्च 2020 से प्रारंभ हो रहा है। ठीक, तो अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। और हमारे यहाँ बाकी 3 टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, पहला है समीक्षा अधिकारी 2016 का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसका,
खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO का टेस्ट सीरीज और UPPCS 2020 के प्री का भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए 8318121793, ठीक। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो आप शिव सर की बेस्ट टीम द्वारा तैयार किए गए टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए और जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर से लॉकडाउन प्रोग्राम के तहत, तब तक के लिए धन्यवाद।